भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस खतरनाक रूप ले सकता है। भारत के एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जयप्रकाश मूलियन ने कहा कि पहले से ही किसी और बीमारी से जूझ रहे ज्यादातर ग्रामीण अक्सर इलाज से वंचित रह जाते हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण उन पर भारी पड़ सकता है। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोरोना के मामले 24 लाख होने के साथ ही ताजा आंकड़ा 26 लाख से अधिक है। ये डर बढ़ने लगा है, ग्रामीण इलाकों में वायरस कहर मचा रहा है। कई सुदूर गांवों में तो संक्रमण के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। वहीं भारत के करीब 70% बुजुर्गों की आबादी गांवों में रहती है और कोरोना बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करता है। गार्डियन का कहना है कि ये डर बढ़ने लगा है कि ग्रामीण इलाकों में अदृश्य तबाही हो सकती है, जहाँ काफी लोग बिना जाँच या इलाज के ही मर सकते हैं। भारत के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की सिर्फ 25% ग्रामीण आबादी के पास हेल्थ केयर की सुविधा उपलब्ध है, जबकि भारत की कुल 66% आबादी गांवों में रहती है। भारत के प्रमुख महामारी विशेषज्ञ जयप्रकाश मूलियन ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं दूर होने की वजह से बिना इलाज के ही रहने वाले लोग और बुजुर्गों को वायरस से खतरा है। ग्रामीण इलाकों में संसाधन कम होने की वजह से बीमार पड़ने पर भी परिवार बुजुर्गों को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह ग्रामीण भारत की हकीकत है, जहां व्यक्ति की जीने की उम्र 65 साल मानी जाती है। मूलियन का कहना है कि चूंकि मौतें काफी बड़े क्षेत्रफल में फैलती होगी, इसलिए त्रासदी की असल तस्वीर अगर दिखेगी भी तो काफी देरी से। वहीं ग्रामीण इलाकों में काफी लोग खुद पर लांछन लगाने के डर से भी लक्षण छिपाने की कोशिश करेंगे। रोज मजदूरी करने वालों को डर होगा कि लक्षण पता चलने पर उनका काम छूट सकता है। वहीं भारत के 80% डॉक्टर और 60% हॉस्पिटल शहरी इलाकों में है, यानी ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की भारी कमी है, जिसकी वजह से भी गाँव में कोरोना का रूप शहरों से अलग हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।